गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 30 मई 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स का। आज की करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल। तो शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 43वें स्थान पर रहा है इसमें प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत 43 रैंक पर रहा है। अब ये प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था है क्या, तो किस देश की अर्थव्यवस्था में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो किस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है, उसी के आधार पर ये एक इंडेक्स है, और इसी में भारत रहा है 43वें स्थान पर। और बात करें शीर्ष पर कौन रहा है, तो सिंगापुर रहा है इसमें शीर्ष पर, तो पहले स्थान पर इसमें रहा है सिंगापुर, तो ध्यान रखना है फर्स्ट पे सिंगापुर और भारत है इसमें 43वें पे। अब सिंगापुर फर्स्ट पे है तो मैप में देखते हैं सिंगापुर को, ये रहा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर की सिंगापुर इन डॉलर, और राष्ट्रपति है सिंगापुर के हलीमा याकोब। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर लिखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को बागवानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को, तो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को बागवानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये पुरस्कार दिया है तमिलनाडु के जो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर यानी वीसी वाइस चांसलर हैं एन कुमार, यही है एन कुमार, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं एन कुमार। अब इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने, इस वजह से इसको बागवानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश के चांसलर ने विश्वास मत खोया है? तो ये खोया है ऑस्ट्रिया के चांसलर है, और चांसलर का नाम ध्यान रखना है इसका सेबेस्टियन कुर्ज, यही है सेबेस्टियन कुर्ज, और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर है, और इन्होंने अभी विश्वास मत खोया है, तो इनका नाम है सेबेस्टियन क्रूज, तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर है और अब इन्होंने विश्वास मत खोया है। अब ये है ऑस्ट्रिया के, तो मैप में देखते हैं ऑस्ट्रिया को, ये रहा मैप में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और करेंसी है यूरो, और राष्ट्रपति है ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर वांडर वेलेन, कौन है अलेक्जेंडर वांडर वेलेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 29 मई को मनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, तो ये मनाए गए हैं 29 मई को। अब ये क्यों मनाया जाता है, जो सैनिक होते हैं और जो असैन्य कर्मी होते हैं उनके द्वारा जो योगदान दिया जाता है तो उन्हीं को ही श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है हर साल 29 मई को, तो 29 मई को मनाया गया है ये दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, और ये अभी तक भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन, और अब ये फिर से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन, इनको शॉर्ट में स्कॉट मॉरिसन भी बोल देते हैं लेकिन इनका पूरा नाम है ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन। अब ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं, तो मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तो यही बने ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है खेलों की राजधानी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 70% पॉपुलेशन जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो प्रति
सप्ताह खेलों में इन्वॉल्व रहती है, इस वजह से इसे खेलों की राजधानी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश को यूएन हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने देश भारत को। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो भारत को यूएन हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। और इसकी थीम भी याद रखना है, इसकी थीम है इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो इसकी थीम याद रखना है इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये भारत को चुना गया है यूएन हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी बोर्ड के रूप में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सुरेश कुमार को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वॉलमार्ट के। तो हाल ही में वॉलमार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश कुमार, यही है सुरेश कुमार। और इनको वॉलमार्ट के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया है। ये वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट। और बात करें वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट की स्थापना हुई थी 1962 में और इसका हेड क्वार्टर है बेंटो विले, तो ध्यान रखना है। और ये अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट और सुरेश कुमार इससे पहले गूगल के एम्प्लॉय थे अभी तक ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है, राजस्थान ने किया है वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए। अब ये क्या है, राजस्थान ने, तो मैप में देखते हैं राजस्थान को, ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और गवर्नर है कल्याण सिंह। अब ये समझौता किया है विश्व बैंक के साथ, तो विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, इससे पहले जिम योंग किम थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो अब नए अध्यक्ष बने थे इसी साल डेविड मालपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों ने शपथ ली है? तो ये लिए 4 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये 4 न्यायाधीश हैं कौन कौन से, तो इनका नाम याद रखना है। पहला है जस्टिस रजनीश भटनागर, जस्टिस ब्रजेश सेट्टी और तीसरा है जस्टिस आशा मेनन और चौथा है जस्टिस तलवंत सिंह। तो ध्यान रखना है, पहला है जस्टिस रजनीश भटनागर, दूसरा है जस्टिस ब्रजेश सेट्टी, तीसरा है जस्टिस आशा मेनन और चौथा है जस्टिस तलवंत सिंह। इनसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में 36 थे, कुल न्यायाधीश अब 40 हो गए हैं इन 4 न्यायाधीशों के बाद। और वर्तमान में चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के राजेंद्रन मेनन। कौन है, राजेंद्र मेनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में COSC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बीरेंद्र सिंह धनोआ यानी BS धनोआ को। ये वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है हमारे BS धनोआ और इन्हीं को COC यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है BS धनोआ। तो COC की फुल फॉर्म है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चलते हैं अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री 2019 किसने जीती है? तो ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर लिखा है कमेंट बॉक्स में, तो प्रत्येक वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। आज का क्वेश्चन है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की PDF फाइल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर भी कर सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक GK भी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को डेली देखें और लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।